और फिर ना युषा थोड़ी सी नाराज़ है, तो मैं आपको अभी बात देखता हूँ, देखो कैसे करती है वो। अभी मैं आपको ना उसको कॉल करूँगा, कॉल नहीं उठाएगी, देखना थोड़ी देर बाद खुद करेगी कॉल। और बोले बताए क्या करे, क्या है हो गया तो कॉल। मैं भाई उसने मैसेज करा होगा, तूने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। मतलब अभी ऐसी हालत है ना, जैसे हम शादी से पहले बैचलर्स रहते ना, वैसी हालत है गई बिल्कुल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखो कैसे कैसे जुगाड़ करने पड़ रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं चले हुए, इसीलिए मैं आज मैंने चलो यार शूट कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी तो मैं और आपको बताऊं, पूरे घर में सिर्फ मैं और अभिषेक हैं। पिछले अराउंड 4-5 दिनों से अराउंड 2:15 बज रहे हैं, हम 1 बजे उठे, इतने आलकसी हो गए हैं आज हम। संडे का दिन है, मैं आपको दिखा नहीं सकता फ्लैट की हालत कितनी बुरी है। ये देखो ऐसे सामान फैला हुआ है, किचन की हालत देखो। मतलब अभी ऐसी हालत है ना, जैसे हम शादी से पहले बैचलर्स रहते ना, वैसी हालत हो गई बिल्कुल। क्योंकि युषा जो है वो घर पर है, क्योंकि आपको पता है कपिल भाई ने के साथ जो हुआ है। ये देखो अभी इस घर में तीन रूम हैं, और रात को हम 5 बंदे सोते हैं। मैं मतलब फ्रेंड्स आ जाते हैं क्योंकि हम दोनों अकेले हैं, शिव भाई भी यहीं पर रह रहे हैं अभी, तो सब एक साथ सोते हैं। और एक फ्रेंड है हमारा राहुल भाई, वो तो इतना डरता है। वो सुबह के 5 बजे ना, जब सुबह हो जाती है तब भी वो नीचे नहीं जा पाता। बट गाइस रीज़न यही था ब्लॉग इतना डिले आ रहा है। एक तो बीच में इतना बड़ा, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि कपिल भाई की जो सब हुआ, आपको पता ही है कपिल भाई ने सुसाइड कर लिया, एंड क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला। बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता। हम यही प्रे करेंगे अभी जहाँ पर भी हो अच्छे हो, और आई होप कि अभी पीस में हो। और पता है क्या, वो परसों की बात है, परसों रात में, और रात के 3-4 बज चुके थे, तो एकदम से सडनली एक स्मेल सी आती है, बहुत गंदी स्मेल जिसको कहते हैं, बहुत ही गंदी स्मेल। तो एकदम सडनली आई, मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है, तो हम किचन में गए, मुझे लगा कभी किसी डस्टबिन में से आ रही हो, लेकिन वो सब जगह से मतलब बराबर ऐसे नहीं आ रही थी कि हम उसके पास जाने तो तेज़ हो रही है, वो पूरे घर में ही आ रही थी पता नहीं क्यों। और साथ में वाईफाई भी नहीं आया, इतना मतलब पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है यार। इसलिए मैंने कहा कि क्या ही दिखाऊं मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा जब बनाने बैठेंगे। अभी तो अगले 10 दिन मतलब युषा पता नहीं 10 या 11 12 13 में कब, मतलब अभी 10 हफ्ता भर तो नहीं आएगी, हफ्ता भर हमें ऐसे ही रहना है। लेकिन सर एक बात बताऊँ, सुकून है। सुकून क्या यार, काम पे लगने का टाइम आ गया अब। फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद पूरे घर में पोछा भी लग गया है, झाड़ू लग गया, पूरा सब कुछ सेट हो गया। सो गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा पिछले 20-21 दिन से मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया हुआ है, एंड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेशन भी स्टोरी अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कि भाई आप कौन से सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो और क्या क्या यूज़ करते हैं। इसे अभी सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में, मसल असाइलम के यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मसल असाइलम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सप्लीमेंट है, 9 साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए हैं, सारी वेराइटी है इनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो मसल असाइलम के मैं 4 प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये प्री वर्कआउट F9 Pro, और ये मैं बता दूँ अमेजोन पे ये सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट है, मैं मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको डेली। वर्कआउट के टाइम मैं यूज़ करता हूँ BCAA G6, और ये बहुत ही टेस्टी है, मतलब ऑरेंज फ्लेवर है, एंड इसको पीने में मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी है मैं ये बोल सकता हूँ। और इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं है। लास्ट LRG9 मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। LRG9 जो यूज़ होता है बेसिकली होता है ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए, ये काफ़ी सारे फायदे हैं इसके, तो मैं इसको लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, एक ग्राम में इसको लेता हूँ। और सबसे लास्ट में जो है ये है स्लीप एंड ग्रो, मतलब सोने से आधे घंटे पहले मैं लेता हूँ,
ये बेसिकली होता है आपकी मसल्स को ग्रो करने के लिए और लीन करने के लिए, आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये सारे बिना किसी साइड इफेक्ट के आते हैं। और ट्रस्ट में, मैं इसको डेली यूज़ कर रहा हूँ चारों प्रोडक्ट्स को, और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट मुझे अभी तक लगा है। और इन सभी के मैंने लिंक डाले हुए हैं नीचे, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि इन्हें परचेज़ करें, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो नीचे लिंक है, आप नीचे से लिंक जाके कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है तो वो ले सकते हैं। सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, ये सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और इफेक्टिव है। लेकिन घर बिल्कुल सोना सोना सा हो गया है, क्योंकि ना तो वाईफाई है, वाईफाई होता तो यहाँ वहाँ घूमता रहता। घर पर है वो, घर पर इतना शरारती हो गया भाई, वो इतना शरारती हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। अभी हमको अभी मैं सोच रहा हूँ हेयर कट करा लूँ, काफ़ी दिन हो गए हेयर कटिंग भी हमने करा लिया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बीच में मैं भूल गया था मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ रहता है आजकल माइंड ना, और फिर ना यूसरा थोड़ी सी नाराज़ है, तो मैं आपको अभी बात देखता हूँ, देखो कैसे करती है वो। अभी मैं आपको ना उसको कॉल करूँगा और आपको दिखाऊँगी वो कैसे बोलेगी। देखो बहुत गुस्सा करती है वो, अभी आपको लगता है ना बहुत प्यार करती, गुस्सा भी उतना ही करती है। देखो कैसे मनाऊँगा उसको, चलो कॉल करते हैं स्पीकर पर। दूसरी कॉल पर व्यस्त है, अंदर मेरा फ्रेंड है ना, उससे बात करिए, मेरी शिकायतें कर रही है 100%। मुझे पता है वो बेचारा हमें हमारी मतलब लड़ाई को सॉल्व कराता रहता है, और ये लड़ती रहती है और मैं सुनता रहता हूँ। अब कॉल नहीं उठाएगी, देखना थोड़ी देर बाद खुद करेगी कॉल। अब बोले बताए क्या करे, क्या है वो, क्या तो कॉल ऐसे करती है। उसका तो फोन अभी कटा कटा कॉल कर रहा है मैं भाई, उसने मैसेज करा होगा तो उसने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। साले कुत्ते। आप जस्ट ये फोन नहीं उठाई अभी, खुद से करेगी, गुस्सा है ना, गुस्से में ऐसे करती है। मौसम तो अच्छा हो रहा है आज, पतझड़ का मौसम आ गया। तो यार आता हूँ पानी देना भूल गया, आज हम लोग पानी देना भूल गया। तो जी पेड़ों में पानी तो डल गया है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। ओ मैडम वहाँ पर घर पे मजे ले रही है, गुस्सा होकर बैठी हुई है, शर्म आ रही है तुमको। अभी वीडियो देखने वाला बताइए, आप तो हमेशा मुझे वीडियो में बुराई बताते हो, बुराई बता दो मुझे कंधे सी। सो गाइस आज तीसरा दिन है, मतलब मैं दो दिन से शूट कर रहा हूँ, लेकिन पता क्या होता है बनाता हूँ फिर शाम को सोचता हूँ भाई क्या बनाऊँ। तमिश कर रहे हो वापी को, बहुत वो तो लड़ रही थी कल, उसको मना है मान गई फाइनली। देखो भैया क्या क्या कर रहे हैं, खुद ही रौनक से रहती थी जब थी वो। हाँ जब से चली गई है ना, एक खाली खाली से हो गया तो वैसे बैचलर्स वाली लाइफ हो गई। ये बंदा ऐसा भाई पूरी रात नहीं सोता, सुबह सोता है और फिर उठता है एक बजे। क्या ब्लॉग देख के उठ गए, नींद नहीं आ रही, क्या बात हो रही, नींद नहीं आ रही सुबह आ बजे नींद 6 बजे। वही भी कहाँ गई थी आज, जिम जा रहा था तू उठा मैं जा रहा जिम, वॉशरूम में मैं निकला मुझे देख के आंखें बंद कर ली इसने। इस टाइम उठे हो तुम? मैं तो अभी उठी थी बस थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर बैठ, तो मजे आ रहे तुम्हारे घर पर? तो आएंगे नहीं, वीडियो बना रहे हो बस यही रहता है, आपको मैसेज करते हो आप या नहीं? ओ अच्छा बेटे रहने दो। मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ? अच्छा तो तुम्हें मेरे खुशी से प्रॉब्लम है? खुश तो रही हूँ, इतना खुश क्यों, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। अब सुबह सुबह तुम्हारे से बात होगी इसलिए खुश हूँ। यार बताओ क्या हुआ? सच में यार बताओ। अरे ये क्या बात है, मतलब दिन कब आ रहे हो वापिस? जब आप लेने आओगे तब। जब मैं लेने आऊँगा तब? ट्रेन में हो गया और क्या, तो बस मैं वहाँ से ट्रेन में पकड़ी और आ रहा हूँ तुम्हें लेने। झूठ बस फालतू की। सच में? खाना मेरी कसम। हर बात पे कसम थोड़ा है ना खाने वाली। ऊपर रहन दो। अरे अब बस कौन है बेटे जो आप इतना चिल्ला के बात कर रहे हो? कोई भी नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ। आज क्या हो गया, आज ऐसा है? हैं? आज ऐसा क्या हो गया? अच्छा मतलब प्यार करने में भी शक है तुम्हें, प्यार कर रही है, प्यार से बात कर रहा उससे भी प्रॉब्लम है? ओहो बस क्यों नहीं करता, तुम जब गुस्सा रहते हो तो उसमें मेरी क्या गलती?
बाय बाय आई लव यू आई लव यू टू बाय बाय बताओ जी प्यार से बात करो तब भी प्रॉब्लम है चेक होता है प्यार से बात करने में क्यों होती है वाइफ ऐसी अंडे भूल गए क्या ओ हाँ अंडे ना अंडे भूल गया मैं उफ ओ चेक सही टाइम पे आ गया मैं खुद के लिए नहीं बनाया खाना लेकिन हमारे लिए बनाना पड़ रहा है तू क्या खाएगा क्या खुद भी खा लिया अगर भाई क्या कैसे जाने तू क्या खाएगा बता कुछ मंगाना क्या बाहर से कैसे खाएगा अरे मारने तो अच्छा लगता है ना देखता फैट हो गए फिर एंड है सो गाइस मैं एक्चुअली अभी बैठा हुआ था तो मैंने जैसे जिम स्टार्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को भी मोटिवेट किया जाए तो मैंने ना एक चैलेंज स्टार्ट किया है उसमें क्या कि मैं डेली 100 पुशअप्स लगाऊंगा और उसकी एक स्टोरी छोटी सी एक पार्ट का इंस्टा पे अपलोड किया करूँगा ताकि मेरी भी मिस ना हो और आप सब भी अगर उसको करना चाहते हो तो आप इंस्टा पर अपनी एक वीडियो स्टोरी पर लगाओ जिसमें मुझे आप टैग कर दो और मैं डेली एक स्टोरी को रीशेयर करूँगा डेली बोल रहा हूँ डेली तो आप वहाँ पर जाओ और बनाओ और इससे आपकी भी मैं फिटनेस बढ़ेगी और शेयर तो मैं कर ही दूंगा बाकी करते हैं यार फिटनेस होनी चाहिए अभी तो मैं ही करने जा रहा हूँ फिलहाल फिर मिलते हैं तो ये पुशअप्स हो गए कंप्लीट साथ में हो गए हमने प्रोटीन शेक ले लिया है और अब जाना है हमें फ़ोटोशूट के लिए एक आधी वीडियो बनाएंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम डेली अपडेट हैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मेहनत चल रही है स्मार्ट लग रहा है लड़का क्या स्मार्ट होता रहा है शर्ट किसकी पहनने की स्मार्ट यार मैं ही लाया था कल कल ही लाया कहाँ HM से तूने दिलाई नहीं थी मेरे को मुझे ये पसंद आ गई रोहित यार ये दिला दे तूने दया दिखा दी थोड़ी बहुत दया कहता भाई ठीक है मगर गरीब थे हम दिला दी भाई ने बेटे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं एग्जाम तो भाई 20 अप्रैल से यार भगवान करे 12th पास हो जाए आराम से वो क्या कर रहा था तू कूद रहा था ऐसे कर कर के वो तो वीडियो थी तूने बताया था मैं उसी टाइप से रिएक्शन दूंगा यार ऐसे हो गए तेरे भाई तो कर के गए दोबारा ऐसे दोबारा ऐसे सीधा हाथ करके पंखे में मार रहे हाथ नहीं नहीं ये आप घर पे मत ट्राई करना बहुत डेंजरस फ्रेंड है जो मैं करता हूं ये रोहित भी नहीं करता मेरा मैं भी नहीं करता मैं ऐसे पागल वाले काम करता हूं हम पागल नहीं है भैया पानी दियो चेक ग्लास तो गाइस बस ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया बस ये था कि ब्लॉग डाल दूँ कैसे ना कैसे करके अब जल्दी मतलब ईशा को लेने जाना है घर पर काफ़ी टाइम हो गया तो जल्दी ही आपको ईशा भी अगले ब्लॉग में मिलेगी और अब जल्दी जल्दी एक बार वो आ गए ना फिर ब्लॉग डेली डालने आप तो बस पूरा दिल लगा देना है जान लगा देनी है और आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट देना है बना के बस जल्दी बस वो आ जाए फिर कुछ आप फिर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी तब तक आप इस वीडियो को थैंक यू कौन बोलेगा यार थैंक यू तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और मैं तब तक पानी पी लेता हूँ और आप सब बताओ कि आपको गेमिंग वीडियो चाहिएगा मैं एक काम करूँगा मैं तब तक रिश्ते नहीं आती मैं गेमिंग वीडियो डालना स्टार्ट कर देता हूँ तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आपको गेमिंग वीडियो चाहिए या नहीं जल्दी जल्दी नीचे जाओ कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ सबके कमेंट्स और अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हाँ हमें गेमिंग वीडियो चाहिए तो बताना और साथ में ये भी बताना कि कौन से गेम के ऊपर साथ चाहिए GTA Vice City के साथ स्पाइडरमैन के साथ चाहिए लास्ट ऑफ अस जो भी आपका हो मैं वो खरीद के डाउनलोड करके उसके अंदर स्टार्ट करेंगे तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ बाय लव यू